नमस्ते दोस्तों, मैं सलोनी माधानी आज एक बार फिर नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है आर्थिक संकट पाकिस्तान का। जी हाँ, आज हम लोग बिजली, पेट्रोल, डीजल के बाद अब चाय पर भी संकट जो पाकिस्तान में आया है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि FATF क्या है और इसका ग्रे लिस्ट से क्या संबंध है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट का मेंबर है, और अगर हाँ तो रिसेंटली और कौन सी कंट्री को ऐड किया गया है। तो दोस्तों, खबरें आई कि चाय कट करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अपील की है कि वो दिन की एक चाय पिए, इससे इनके 9,500 करोड़ बच सकते हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों ये मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। लेकिन पाकिस्तान को जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता है FATF की। FATF क्या है ये भी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। अब FATF को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा है? नो डाउट चाइना ही है जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। शहबाज शरीफ का साथ चाइना दे रहा है, जिससे कि पाकिस्तान वापस से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सिर्फ ग्रे लिस्ट नहीं होती FATF में, ब्लैक लिस्ट भी होती है। तो कोई भरोसा नहीं अभी सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है कि FATF ने डिसाइड किया है कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे पाकिस्तान को। अक्टूबर तक अभी फाइनल डिसीजन आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया। अभी होगा क्या, FATF की एक टीम पाकिस्तान जाएगी और मॉनिटरिंग करेगी कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सही है। जी हाँ, चलिए सुनते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्या कहा कि चाय की चर्चा पूरी दुनिया में हो गई। ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। तो एक नजर डालते हैं चाय के आयात पर। पाकिस्तान करता है दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का इम्पोर्ट। देखिए, $589 मिलियन, इतनी चाय पीते हैं पाकिस्तानी। अब जैसे देखिए, पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में 300 अरब रुपए की चाय मंगवाई है। दोस्तों, 3 सालों में 300 अरब, कभी 120, कभी 95, कभी 82। और यहाँ देखिए, पाकिस्तान में पिछले 20 दिनों में 84 रुपीज़ लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, 84 रुपए लीटर दाम बढ़ गए। हम कहते हैं कि पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया, 10 रुपए महंगा हो गया, यहाँ तो सीधे 84 रुपए लीटर। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान आखिर कितने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दोस्तों जी हाँ, पाकिस्तान फिनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान पर करीब 8.5 लाख करोड़ का लोन था, और अब वो बढ़कर 2021 में 18 लाख करोड़ हो गया। दोस्तों, इतना लोन बढ़ा। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तानी रुपया भी लगातार कमज़ोर ही हो रहा है। एक डॉलर के मुकाबले 207 के पार पहुंच चुका है पाकिस्तानी रुपया। इसके अलावा बिजली संकट, जगह जगह पाकिस्तान में बार बार बिजली काटी जा रही है। सुनने में तो आया था कि कई बार 7-7 दिन के लिए लगातार बिजली काटी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्थिक संकट से उभरने के लिए अब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से $3 अरब की आर्थिक सहायता मांग रहा है, जबकि यही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मैं भले ही दोस्तों से पैसे ले लूँगा, लोन ले लूँगा, लेकिन IMF के पास मदद मांगने के लिए नहीं जाऊँगा। लेकिन आज आर्थिक संकट इतना गहरा है पाकिस्तान का कि इन्हें IMF से हेल्प मांगनी ही होगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि FATF क्या है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोस्तों, FATF 1989 में G7 देशों के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, इसे एस्टैब्लिश किया है G7 की कंट्रीज ने 1989 में। आप इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। ये एक अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है, इट्स इंटर गवर्नमेंटल। ये एक नीति निर्माण निकाय भी है, जिसका कार्य क्या होता है दोस्तों, धन शोधन, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, और इसके अलावा टेररिस्ट फिनेंसिंग को ये देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज ऐसा कुछ कर रही है, और अगर करती हुई मिलती है तो फिर उसे ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। जी हाँ, तो आइए पढ़ते हैं FATF की ग्रे सूची के बारे में। जी हाँ, FATF की ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इसे अन्य निगरानी वाले क्षेत्र अधिकारों की सूची भी कहा जाता है। जी हाँ, और दोस्तों, FATF की ग्रे सूची में किस देश को या फिर कौन सी कंट्री को रखा जाता है,
तो वो कंट्रीज़ जो मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर आतंकवादियों को फंडिंग करने के लिए या फिर प्रसार वित्त पोषण इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ में इनलिस्ट होती है तो या ऐसी कोई कमी या खामी आती है नज़र, तो उसके बाद FATF उन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाल देता है। थोड़ी सी और डिटेल्स जान लेते हैं। ऐसे देश निर्धारित समय सीमा के भीतर वित्तीय अनियमितताओं यानी कि इरेगुलरिटीज़ को दूर करने और वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए FATF के साथ सहयोग करने के लिए भी सहमत होंगे। ठीक है, FATF वित्तीय व्यवस्था को सुधारने और मजबूत करने के लिए देशों को एक कार्य योजना भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये FATF एक आपको टास्क भी देता है कंट्री को, जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक कर सके। इसके अलावा FATF देशों की दोस्तों जो भी बैंड्स लगाए जाते हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी करता है, निगरानी करेगा और समय समय पर समीक्षा के माध्यम से इन चीज़ों को अपडेट भी करेगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि FATF क्या है, FATF में ग्रे लिस्ट क्या है, लेकिन ग्रे लिस्ट में आने के बाद कंट्री को आखिर कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ये भी देख लेते हैं आज। तो मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर्स, फिच, ये जो एजेंसीज है इनकी रेटिंग कंट्रीज़ की ये ख़राब कर देती है। जी हाँ, इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी जो भी एक इमेज बनी हुई है वर्ल्ड में वो इमेज ख़राब होगी और जो बाहर के भारी इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी जो निवेश करते हैं वो निवेश आपका कम हो जाएगा, बाहर के लोग आके आपकी कंट्री में पैसा नहीं लगाएंगे और इसके अलावा देश का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, 2018 के बाद से पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में रखा गया। इसका सबसे मेन रीज़न ये था कि यूनाइटेड नेशंस ने जो भी टेररिस्ट एनलिस्ट किए थे जैश ए मोहम्मद में, वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से पकड़े नहीं जा सके, जिसका क्रेडिट यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को दिया। इसके अलावा FATF ने पाकिस्तान से ऐसे आतंकवादी समूह, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं की आपराधिक आय यानी कि गलत इनकम को जब्त किया और अन्य देशों के साथ मिलकर उनकी संपत्ति का पता लगाने और उन्हें फ्रीज करने की भी कोशिश की। तो समझ सकते हैं हम कि पाकिस्तान का टेररिज्म से सीधा सीधा कनेक्शन दिखाया गया। हाल ही में दोस्तों, 2022 में जो एक नया नाम जुड़ा है ग्रे लिस्ट के अंदर, वो है UAE का, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। जी हाँ, द फेडरेशन ऑफ 7 शेख डोम्स वॉज एडेड रिसेंटली इन द ग्रे लिस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के चलते FATF ने ये फैसला किया है। अब दोस्तों, एक बात बताइए, 7 शेख डोम्स का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा यहाँ हम इकोनॉमी के साथ ज्योग्राफी भी देख लेते हैं। जी हाँ, 7 शेख डोम, शेख्स यानी कि जहाँ पर शेख राजा होते थे, और आपको बताऊँ कि एमिरेट्स का मतलब होता है वो ज़मीन जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, वैसे तो नाम से समझ आता है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये यूनाइटेड कौन कौन से हैं? ये 7 है और इन्हीं एमिरेट्स को शेख डोम्स भी कहते हैं। तो इनके नाम हैं अबू धाबी, दुबई, आजमन, अल कुवैन, फुजराए, शारजाह और रास अल खाइमा। मुझे नहीं पता मेरे प्रोनंसिएशंस कितने सही थे, पर ये 7 हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये हुई UAE के बारे में बात। दोस्तों, ग्रे लिस्ट के जैसे ब्लैक लिस्ट भी है, और ब्लैक लिस्ट में कौन आते हैं? वो कंट्रीज़ जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरिफ फिनांसिंग के मुद्दों से निपटने के लिए FATF की हेल्प नहीं करती है, उन्हें कोऑपरेट नहीं करती है, उन कंट्रीज़ को सीधे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो चलिए, अब आता है क्वेश्चन टाइम। विच कंट्री हैज़ बैंड फ्री इंटरनेट सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग सोशल मीडिया? कौन सी कंट्री ने इंटरनेट सर्विसेज जो फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही थी उन्हें बैन कर दिया है सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए? चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अलायंस कंप्राइज्ड ऑफ 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, दैट इज़ UK। सो ऑप्शंस आर 5 रिंग्स इंटेलिजेंस अलायंस, 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस, 5 स्टार इंटेलिजेंस अलायंस या फिर I5 इंटेलिजेंस अलायंस। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर गूगल कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए ही है क्वेश्चन।